नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। आज मैं आपके साथ मेरी जो ऑब्जर्वेशन, मेरी जो कंक्लूजन है ऑन अंडरस्टैंडिंग कोरोना एंड इट्स सिम्टम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट, उसके ऊपर अपने विचार रखने वाली हूं। मेरे अनुसार कोरोना कैन बी फॉट विद ग्रेट विल पावर एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मगर देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु नीड टू फाइट द वायरस थ्रू मेडिसिन। अगर आपका CRP रेट पहले सिंगल डिजिट में है और 3 दिन के बाद डबल डिजिट में हो जाता है, देन द डॉक्टर्स यू नो टेल यू टू टेक रेमडेसिविर इंजेक्शन, विच इज एज पर द सिम्टम्स ऑल्सो ऑफ द पेशेंट। सम पेशेंट के सिम्टम्स एंटीबायोटिक्स और डोलो से ठीक हो जाते हैं, मगर सम पेशेंट्स के सिम्टम्स नहीं ठीक होते और उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जाती है। साथ साथ में उनका ब्लड वर्क चेक किया जाता है। जब ब्लड वर्क चेक किया जाता है तब CRP का रेट अगर डबल हो जाता है, देन रेमडेसिविर इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर कोरोना। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन लेनी है, देन प्लीज टेक इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन इन द हॉस्पिटल। नर्सेज भी घर पर आते हैं, बट आई थिंक इन इंडिया क्वालिफिकेशन ऑफ अ नर्स इज क्वेश्चनेबल इफ द नर्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, बिकॉज मैंने देखा है भारत के अंदर डिग्री भी आसानी से मिल जाती है, रिजर्वेशन के नाम पर बहुत मैल प्रैक्टिस भी होती है, लोग बैकडेटेड सर्टिफिकेट्स बना देते हैं, सो देर इज लॉट ऑफ करप्शन, देर इज लॉट ऑफ भ्रष्टाचार। सो वेन इट कम्स टू मेडिकल एंड मेडिकल ऑफ यू एंड योर फैमिली, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। कोरोना ने हमें सिखाया कि करप्शन किस किस लेवल पर एग्जिस्ट करता है। कोरोना ने हमें सिखाया कि कैसे हम दूसरे इंसान पर भरोसा करना छोड़ बैठे हैं। कोरोना ने हमें सिखाया कि कैसे एक डॉक्टर और एक नर्स रेमडेसिविर की खाली बॉटल बाहर पेशेंट के रिलेटिव को दिखाता था, सो दैट द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट वुड नो, द रिलेटिव कुड नो कि उसके परिवार वाले को रेमडेसिविर इंजेक्शन उस डॉक्टर उस नर्स ने दी। इतना सारा मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन और केओस हुआ कोरोना में कि हमने बहुत कुछ सीखा। आई वुड जस्ट टेल पीपल टू बी मच मच मोर केयरफुल, सेंसिटिव टू पीपल अराउंड यू, बी काइंड, बी लेस हार्श, बिकॉज हमें नहीं पता हाउ पीपल आर इंटरप्रिटेटिंग आर मैसेजेस। सम पीपल आर मेंटली स्ट्रांग, सम पीपल आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। कोरोना में हमने देखा है कि किस प्रकार से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग हुआ है रेमडेसिविर की इंजेक्शन का, जो इंजेक्शन अवेलेबल है फॉर 1000 bucks। आइसोलेशन एक बहुत ही स्कैरी शब्द है। आइसोलेशन को अगर हम समझने का प्रयास करें, देन इट इज समथिंग विच लॉट ऑफ पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ। जी हाँ, बहुत सारे लोग आइसोलेशन शब्द से डरते हैं एंड बहुत सारे लोग लोनलीनेस प्रिफर करते हैं, मगर आइसोलेशन शब्द जब कोरोना के साथ जुड़ जाती है, देन लॉट ऑफ पेशेंट्स आर नॉट एबल टू हैंडल इट। आई हैव experienced this myself and I'm saying that isolation शब्द का जो attachment किया गया corona patients के साथ, वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत हद तक गलत था, because वो patients जो mentally strong नहीं थे वो उस isolation से और weak हो गए। साथ साथ में corona patients को untouchable की तरह treat करना बहुत गलत है। they are not untouchables, वो चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, वो भारतीय नागरिक है, वो इंसान है और हम उन्हें अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी जिस प्रकार की राजनीति के कारण कोरोना पेशेंट्स को, कोरोना विक्टिम्स को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल एंड उन लोगों को सजा भगवान देगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट फाइट दैट आई हैव experienced and seen now from my own eyes कि किस प्रकार से कोरोना पेशेंट्स को अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है, which is very very wrong. Doctors have been obviously an inspiration because doctors mask पहन के उन patients को treat करते हैं जिन patients को दूसरा आम आदमी untouchable की तरह treat करता है. So full respect to all those doctors and nurses who have gone and treated corona patients in the isolation ward wearing masks and PPE kit. PPE किट पहनना इज अ वेरी बिग टास्क इन इटसेल्फ एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु हैव डन दैट। मास्क पहनना इज ऑब्वियसली स्टिल अ रूल एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मास्क योरसेल्फ कंटिन्यूअसली फॉर 9 to 12 आवर्स। आई ट्राइड दैट,
this time because I was running from the hospital to another place and I was masking myself. It is very, very difficult to talk, to open your mouth, to breathe with mask. इसलिए मैंने कोरोना के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में घर से निकलना ही बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ मास्क ऑन माई फेस. सो डॉक्टर्स हैव वोर्न दैट मास्क एंड ट्रीटेड कोरोना पेशेंट्स in a pressurized situation. I think doctors need to be appreciated completely. They have done an outstanding job. They need to be rewarded for what all they have done in this phase. Because bahut sare logo ke bahut sare narratives hai about corona and the disease. I am not a doctor, but I would just say jiske jo bhi narratives hai, un sab narratives ko respect karte hue, corona took lives of lot of people and that is sad. And in that process, lot of things it taught us. It taught us how to follow rules. It taught us that mental health problems exist in our society. It taught us that a disease with the flu-like symptoms can also kill people if they are not mentally strong and if they are not given proper medical treatment. It taught us ki medical negligence hoti hai hospitals ke andar, bade-bade hospitals ke andar, and isne humko ye bhi sikhaya ki corona patients achhoot nahi hai. Jab baat aati hai achhoot ki, tab maine dekha tha kis prakar se ek particular qaum ke logo ko target kiya gaya tha because of corona. I really, really feel very sad. And my sympathies to all those people who were treated badly because they were belonging to a certain religion, because this is not acceptable. Chahe wo koi bhi dharm ka ho, chahe wo koi bhi jati ka ho, wo bharatiya nagrik hai, wo ek insaan hai. Agar usko corona ho gaya hai to usko theek karo, usko achhoot ki tarah treat mat karo. Namaste, Jai Hind.